नमस्कार दोस्तों, आज का सवाल समाकलन टॉपिक पर बेस्ड है। इसके अंदर हमें सवाल दिया हुआ है समाकलन a टू द पावर 3 लॉग बेस a टू द x, हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक लॉग का कंसेप्ट पता होना चाहिए, जिसके अंदर क्या होता है, अगर किसी भी इंटीजर या फिर रियल नंबर की पावर लॉग और उसका बेस भी वही नंबर हो तो वह एक हो जाता है और लॉग के आगे वाली वैल्यू उसके इक्वल हो जाती है। क्योंकि आप फॉर्मूले में देख पा रहे होंगे a लॉग a बेस x इक्वल्स टू x हो जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए समाकलन का पावर रूल, वो क्या होता है, समाकलन x टू द पावर n dx इक्वल्स टू होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। थर्ड फॉर्मूला जो है वो भी लॉग कंसेप्ट पर बेस है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। वो क्या है, अगर लॉग x टू द पावर m हो तो वह m लॉग x हो जाता है। अगर ये तीनों फॉर्मूला आपको पता है तो अब आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इन तीनों फॉर्मूला का अगर अपन यूज करके इस इक्वेशन को वापस लिखें तो क्या हो जाएगा, समाकलन x टू द पावर 3 dx, और इसके अंदर हम समाकलन का पावर रूल अगर लगाएं तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। तो x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c ये इसका सही आंसर है।